हेलो गाइज, मैं हूं अशु। मेरी चैनल टोटल गैजेट में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट टाइप का गैजेट का अनबॉक्सिंग उसका फुल करके दिखाने वाला हूं। तो गाइज देख सकते हो, लॉन्ग लाइन कंपनी का ये रिचार्जेबल फैन है। तो गाइज ये यूजफुल आने वाला गैजेट है। जो लोग गांव से बिलोंगिंग करते हैं तो इसके लिए यूजफुल आने वाला गैजेट है। बार बार बिजली जाने का जो प्रॉब्लम होता है उसके सॉल्यूशन के लिए मैं आपके लिए सामने एक लॉन्ग लाइन कंपनी का रिचार्जेबल फैन लेके आया। तो गाइज उसका अनबॉक्सिंग उसका फुल करके दिखाने वाला हूं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देख सकते हो, लॉन्ग लाइन कंपनी का ये रिचार्जेबल फैन है। तो गाइज उसका अनबॉक्सिंग कर लेंगे, उसका फुल आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइज देख सकते हो, उसका लोगो इस तरह से आपको मिलने वाला है और आपको इस तरह से रिचार्जेबल फैन लव योर होम। तो गाइज इसका जो स्लोगन है, तो बिजली के साथ भी और बिजली के बाद भी इस तरह से आपको स्लोगन देखने को मिलने वाला है। उसकी डिज़ाइन आपको देख सकते हो, तो गाइज इस तरह से आपको उसकी डिज़ाइन मिलने वाली है। उसके मॉडल के बारे में बताऊँ तो AC DC 1715 आपको मिलने वाला है। ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन इस तरह से आपको उसको मिलने वाला है आपको, और ऑस्किलेटिंग फैन एंड चार्जेबल बैटरी, पावर बैंक एंड सोलर पैनल कंपेटेबल। तो सोलर पैनल आपको यूज़ करके उसको चार्ज कर सकते हैं। उसमें जो ब्रशलेस मोटर है वो कॉपर मोटर आपको मिलने वाली है और LED लाइट भी मिलने वाली है। तो बॉक्स की डिज़ाइन इस तरह से आपको मिलने वाला है। तो गाइस बॉक्स के साइड में हम देखेंगे तो क्या क्या है, तो सब फीचर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइज इस तरह से साइड में आपको दिखा देता हूँ, मॉडल को आपको पता चल गया। और फीचर्स के बारे में बताऊँ तो आपको ये फुल्ली रिचार्जेबल मिलने वाला है। इजी कैरी हैंडल आपको मिलने वाला है। वाइड एंगल एडजस्टेबल आप कर सकते हो। प्लास्टिक ब्लेड विथ लो नॉइस में आपको मिलने वाला है। और कैन ऑपरेटिंग विथ सोलर पैनल भी है। तो गाइज एडिशनल फीचर्स फॉर 1715 का भी है, उसका भी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो USB आउटपुट मिलने वाला है, हाई ब्राइट लाइट मिलने वाली है, बैटरी लो इंडिकेटर भी मिलने वाला है, और ऑस्किलेटिंग कंट्रोल लॉक भी मिलने वाला है। और बैटरी की स्पेसिफिकेशन बात बताऊँ तो गाइस देख सकते हो 12 वोल्ट का बैटरी मिलेगा और 7.2 और SMF लीड एसिड आपको की बैटरी मिलने वाली है। कंटेनर में बताऊँ तो AC DC रिचार्जेबल फैन है। और वोल्टेज 18 वोल्ट को मिलने वाला है और वोल्टेज 12 वोल्ट को DC मिलने वाला है। मॉडल आपको देख सकते हो 1712 है और हमारा जो है मेड इन इंडिया में आपको मैन्युफैक्चरिंग मिलना है, 2024 का है। तो गाइज इस तरह से उसका बॉक्स का डिटेल में बताया मैंने, तो उसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो फटाफट से उसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हम। तो गाइज उसका अनबॉक्सिंग तो कर लेंगे, लेकिन आपको करना क्या है, तो आपको करना है कि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना है, पास पर सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस करके ऑल पे सेट करना है, क्योंकि हमारी जो भी ऐसी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी सबसे पहले। तो फटाफट से हम बॉक्स में से जो फैन है वो निकाल लेते हैं। तो गाइज फैन को हम साइड में निकाल देंगे इस तरह से, और उस बॉक्स में क्या क्या आप देख लेते हैं। तो बॉक्स में तो भाई चार्जर है, तो चार्जर भी निकाल देंगे इस तरह से। बॉक्स में तो हम साइड में हटा देता हूँ, आते हैं फैन में। तो गाइज देख सकते हो इस तरह से फैन का पूरा लुक है। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पर आपको ये DC ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। आपको ऑन करेंगे तो ये पूरा लाइट जो लाइट है ये LED लाइट है, और ये जो फैन है उसका कंट्रोलर है, लो एंड हाई का कंट्रोल है, और बीच में रखेंगे तो उसमें आपको ऑफ हो जाएगा और चार्जिंग इधर इंडिकेट हो जाएगा और लो बैटरी का इंडिकेट आपको इधर मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको USB केबल के थ्रू आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, और LED इस तरह से आपको यहाँ पर दिखने को मिलने वाली है। तो सोलर एनर्जी यहाँ पर स्टिकर मारा है, मतलब आप सोलर के थ्रू आप यूज़ कर सकते। तो गो ग्रीन, तो ये पूरा आपको इको फ्रेंडली मिलने वाला है। तो गाइस देख सकते हो इसमें आपको टोटल 5 ब्लेड मिलने वाले, 1 2 3 4 5, इसकी वजह से आपको हाई फ्लो अच्छा वाला क्वालिटी में मिलने वाला है। तो गाइस इसके पीछे मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पर आपको कैरी हैंडल भी मिल जाएगा, तो इस तरह से आप कैरी कर सकते हैं। और इस स्विच के बारे में बताऊँ तो आपको इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो जो फैन है उसमें
फॉरवर्ड एंड रिवर्स इस तरह से आपको दिखने को मिलने वाले। तो मैं आपको चालू करके ही आपको दिखाऊँ, तब आपको पता चलेगा। तो फटाफट से मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो, यहाँ पर आपको डीसी ऑन रखना है और ऐसे लाइट प्रेस करेंगे इस तरह से, तो आपको इस तरह से लाइट इंडिकेट दिखने को मिलने वाली है। तो गाइस देख सकते हो, आप लाइट चली जाए भी तो टेंशन नहीं, खाना खाने के लिए तो भी यूज़ कर सकते हैं, इसके बंद कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर आपको जो मैंने बताया था, तो ये आपको पहले लो में चलाना है। तो अभी हो गया स्टार्ट, तो गाइस इसके बाद में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर उसको ऑफ करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ हाई कर सकते हैं। तो ऐसा प्रेस करेंगे तो उसका स्पीड भी बढ़ जाएगा और उसका जो फ्लो है वो फ्लो भी आपको हाई में मिलने वाला है। तो गाइस बढ़िया गैजेट है। और दूसरा फीचर्स मैंने में बताया था कि आपको इस गैजेट को मैंने बताया था कि आपको यहाँ से प्रेस करेंगे, यहाँ से आपको प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से आपको घूमता दिखने को मिलने वाला है। तो गाइस देख सकते हो इस तरह से स्विंग भी होगा, बढ़िया गैजेट है। तो ये रिचार्जेबल फैन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और दूसरा यूज़ मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। इस तरह से भाई साहब, और आपको उसमें स्टॉप करना चाहते हैं तो सेंटर में ला के आपको इस तरह से उसको खींचेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। तो गाइस इस तरह स्टॉप भी हो गया। तो भी आपको स्मार्टफोन चार्ज करके आपको दिखा देता हूँ कि स्मार्टफोन फोन भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो गाइस इसका फीचर भी आप दिखा देता हूँ दूसरा भी। तो हम यहाँ पर यूएसबी केबल है, उसको इस तरह से हम डाल देंगे, इस तरह से यूएसबी केबल डाल दिया, और हमारे पास टाइप सी का जो स्मार्टफोन है उसको हम चार्ज करके आपको दिखा देंगे। लेकिन आपको ये जो डीसी वाला जो है स्विच, वो आपको ऑन रखना है, ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो गाइस मैं आपको चार्ज करके दिखा देता हूँ। तो मैंने इस तरह से लगा दिया है, तो गाइस देख सकते हो अभी चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है, 84% है। तो हम बंद करेंगे यहाँ से तो बंद हो जाएगा, लेकिन जो डीसी का जो स्विच है वो आपको ऑन रखना है। तो मैं आपको चार्जर चार्ज कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा। तो इसके पीछे जो दिया गया है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो दिया गया है आप 12 वाट का जो सोलर पैनल इसका भी यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास जो चार्जर आया है उसका भी यूज़ करके मैं आपको चार्ज करके दिखा देता हूँ कि चार्ज के लिए कैसे लाइट इंडिकेट हो गई। तो इस तरह से हमारा जो मोबाइल है वो भी हम चार्ज कर सकते हैं और इसके एलईडी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बंद कर लेता हूँ, मैं बंद गया, बंद हो चुका है। तो गाइस फटाफट से मैं आपको उसको कैसे चार्ज करना है वो भी आपको बता। तो गाइस जिस जगह पे मैं शूटिंग कर रहा था वहाँ पर ये एक्सटेंशन बोर्ड नहीं था, और हमारे पास वहाँ पर बोर्ड अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैं दूसरी जगह पे लेके आया हूँ, और हमारे पास ये पॉइंट है इलेक्ट्रिक पॉइंट, तो हमारे पास जो चार्जर है, तो चार्जर की पूरी हम डिटेल देख लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो इनपुट 110 से 280 तक आपको मिलने वाला 50 हर्ट्ज़ है, और आउटपुट आपको 14 वोल्ट में डीसी 2 एम्पीयर में मिलने वाला है। तो गाइस इस तरह से आपको यूज़ करना है। तो हमारे पास जो चार्जर है, चार्जर को मैं आपको इस बोर्ड में लगा के आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से मैंने लगा दिया है, मैं लाइट बंद करके मैं उसका इंडिकेट देखने के लिए आपको मैं लाइट बंद कर लेता हूँ इस तरह से, और देखते हैं इसमें हम ऑन करेंगे। तो गाइस देख सकते हो इस तरह से आपको रेड लाइट इंडिकेट देखने को मिलने वाली है। तो मैं भी चार्जर ऑन कर लेता हूँ और हमें लाइट भी ऑन कर लेता हूँ। तो गाइस हमारे पास ये जो चार्जर का पॉइंट है, तो मैंने यहाँ से इसके पीछे तो इस तरह से यहाँ लगाएंगे और देखते चार्ज करके देखते हैं।
तो गाइज हमने जैसे कनेक्ट किया तो गाइज देख सकते हो आपको इस तरह से जो चार्जिंग की लाइट है वो आपको देखने को मिल रहा है, इंडिकेट हो जाएगा। तो मैं लाइट बंद कर आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज इस तरह से रेड कलर की लाइट जलेगी, जैसे बैटरी फुल हो जाएगी तो आपको ग्रीन कलर की लाइट इंडिकेट हो जाएगी। इसमें आपको 2 या 2.5 घंटे में वो फुल बैटरी कंप्लीट हो जाएगी, वो भी कंप्लीट रिचार्ज हो जाएगी। तो आपको उसका यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो आपको ये डीसी है, डीसी आपको ऑन रखना पड़ेगा और आपको डायरेक्ट चार्जर के थ्रू आपको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज मैं बता देता हूँ फटाफट से। तो हम यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, लाइट भी जला सकते हैं एंड उसका फैन भी जला सकते हैं। तो कैसे देख सकते डायरेक्ट चार्जर के थ्रू आपको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। आपको बस जब यूज़ करना है वो बैटरी करेंगे, जब लाइट चली जाए तो बैटरी का यूज़ करेंगे। और लाइट का जो हमारे पास एडेप्टर है, एडेप्टर के थ्रू हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। तो गाइज़ रिचार्जेबल फैन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइज़ इस तरह से मैंने आपको जो बैटरी, जब लाइट चली जाए तो बैटरी का यूज़ करना है, और आपके पास लाइट है तो आपको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं चार्जर के थ्रू। और आपको आप खेत में भी रहते हैं तो इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सोलर पैनल के थ्रू 12 वोल्ट की जो सोलर पैनल आती है इसके यूज डायरेक्ट आपको यहाँ से उसके जो पीछे जो सॉकेट दिया गया है तो वहाँ से आपको उसका जो सॉकेट आता है वहाँ से डायरेक्ट करके उसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो फार्मर के लिए भी अच्छा है गैजेट है, और स्टूडेंट और सभी के लिए अच्छा गैजेट है। तो गाइज़ ये गैजेट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों को करना क्या है, तो दोस्तों को करना क्या है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना है, पास में जो सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस करके ऑल पे सेट करना है, क्योंकि हमारी जो भी ऐसी वीडियो है आपको देखने को मिल जाएगी सबसे पहले। दोस्तों ये स्पेशली मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि हमारे पास जो वीडियो था, तो मैं डिस्प्ले में आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो था। तो इस वीडियो में मैंने व्यू ज़्यादा आया, लेकिन उसमें कमेंट में आया था कि जो वॉइस है वॉइस कंप्लीट नहीं मिल रहा था। उस वक्त मैंने मोबाइल में शूट किया था, अभी मैं DSLR कैमरे में शूट कर रहा हूँ इसलिए वॉइस क्वालिटी सब अच्छा है। और मैं बैकग्राउंड म्यूजिक की भी जो कंप्लेंट आई थी वो भी मैं रिमूव करने वाला हूँ। तो मैंने पहले ही वीडियो बनाया था लेकिन फिर से मैं वीडियो बनाया। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको एक ही जगह बाय करना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूँगा। और अभी तो क्या है ऑनलाइन में नहीं मिला, लेकिन आप मेरे थ्रू कॉन्टेक्ट के थ्रू आप ये जो फैन है तो आप बाय कर सकते। तो मैं मेरा नंबर है वो उसमें कॉन्टेक्ट में डाल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ जाके आप बाय भी कर सकते हैं। और आपको कुरियर के थ्रू घर तक पहुँचा दूंगा। और उसका जो प्राइस है अभी मैं बताने वाला हूँ नहीं, लेकिन आप जो भी जिसको भी प्राइस पूछना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और उसका भी प्राइस मैं दे दूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा और गैजेट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट वन, तब तक के लिए सभी को बाय बाय और सभी को टेक केयर।